हाय, हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैंने बताया है कि क्या आपको वॉकर्स यूज़ करना चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा जो है, पहले लोग हर कोई वॉकर यूज़ करता था, लेकिन जो है क्या वॉकर यूज़ करना सही है, एंड अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको किस टाइप के वॉकर्स यूज़ करना चाहिए, एंड अगर आप नॉर्मल ट्रेडिशनल वॉकर्स भी यूज़ कर रहे हैं तो आपको कैसे यूज़ करना चाहिए, किस कंडीशन में यूज़ करना चाहिए, एंड उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो ये सारा मैंने इस वीडियो में बताया। तो क्योंकि यूजुअली क्या रहता है, हर किसी को रहता है कि मेरे बच्चे ने जल्दी चलना शुरू कर दिया या जल्दी चलना शुरू कर दिया, तो वो लोग वॉकर्स लेके आते हैं। रिसर्चेस में ऐसा मिला है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि वॉकर जो है आपके बेबी को बहुत जल्दी हेल्प करेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जस्ट एक मिथ है कि वॉकर में बच्चा बैठा और वो बच्चा जो है जल्दी चलना शुरू कर दिया था। बस ये है कि हाँ, बच्चे को अच्छा लगता है, बच्चा जो है इनफेक्ट आपने देखा होगा इतनी तेज़ दौड़ता है कि आप उसके पीछे आप कितनी भी स्पीड में दौड़ें आप नहीं पकड़ पाएंगे बच्चे को। तो इसीलिए वॉकर से क्या रहता है, बहुत ही ज़्यादा चोट लगने का, इंजरी होने का, एक्सीडेंट्स होने के बहुत ही ज़्यादा डर रहते हैं। बच्चे क्या है, इजीली आप एक तो इतनी जल्दी भाग के जाएंगे कि टेबल से या किसी से भी टकरा जाएंगे तो उससे चोट लगेगी। इनफैक्ट जो है वॉकर जो है काफ़ी कंट्रीज़ में बैन है, और US का एक डाटा था जिसमें कि अराउंड 1 साल में 23,000 के लगभग बच्चों को वॉकर से थोड़ा बहुत इंजरी होती ही है, एंड जिसमें से 2,000 बच्चे ऐसे रहते हैं जिनमें काफ़ी सीवियर इंजरी होती है, जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत भी पड़ती है। तो ये नंबर काफ़ी, ऑब्वियसली 2,000 इज़ अ बिग नंबर। तो क्या रहता है, बच्चे आप जैसे वॉकर में आपने बैठा दिया, वो इतना तेज़ भागेंगे कि कहीं भी पहुंच जाएंगे, या चाय रखी है अचानक से इतना तेज़ दौड़ के आएंगे, या आप गर्म पानी है या कुछ भी है, किसी से भी जाके टकरा सकते हैं, या फिर जब बच्चे की हाइट थोड़ी सी ज़्यादा होती है वो आगे को झुक के उससे गिर सकता है। देन UK का एक डाटा था जिसमें था कि अप्रॉक्सीमेटली जो वॉकर्स बच्चे यूज़ करते हैं उसमें से एटलीस्ट 40% बच्चों को जो है वॉकर की वजह से थोड़ा बहुत इंजरी होती ही है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा, बच्चे इतना तेज़ दौड़ते हैं आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। देन और जितने बच्चे जो जल के या कुछ बर्न्स या ऐसे आते हैं, उसमें से एटलीस्ट 25% बच्चे ऐसे होते हैं जो उस टाइम वॉकर्स में थे, तो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। देन दूसरा क्या रहता है, लोग वॉकर्स इवन 4-5 महीने के बच्चे, बच्चा जो है थोड़ा सा सपोर्ट के साथ बैठना शुरू किया और लोग जो है वॉकर्स में बिठा देते हैं, उनके इवन पैर भी नहीं पहुंच रहे होते हैं बच्चे के, तो उसमें क्या है, पूरा बैलेंस जो है बच्चे के टो के ऊपर, अंगूठे के ऊपर है, तो उससे क्या रहेगा, बच्चे के जो मसल्स हैं जो एक्चुअली में उस टाइम डेवलप हो रहे होते हैं उन पर प्रेशर पड़ता है। इवन जो है रॉन्ग जॉइंट्स पे प्रेशर पड़ता है, हिप जॉइंट पे प्रेशर पड़ेगा, एंकल जॉइंट पे प्रेशर पड़ेगा, बच्चा जो है उसमें से लटका हुआ बैठा हुआ है 5-10 मिनट ओके, बट यूजुअली क्या रहता है, बच्चे वॉकर्स एंजॉय करते हैं तो लोग 1-1 घंटे, आधे 1 घंटे छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये काफ़ी लेटर लाइफ में हिप प्रॉब्लम्स, फुट प्रॉब्लम, एंकल प्रॉब्लम्स ये सब करा सकता है। देन इन केस स्टिल अगर आप वॉकर यूज़ करना चाहते हैं तो वो ऐसे रूम में यूज़ करिए जहाँ पर आसपास ऐसे कुछ भी चोट लगने वाला ना हो, जहाँ गर्म पानी ना हो या कुछ भी ऐसा ना हो, कुछ पैनी चीज़ ना हो, कुछ भी शार्प ऑब्जेक्ट्स वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए, या बच्चा जहाँ से गिर जाए ऐसा नहीं होना चाहिए। जस्ट एक बड़ा सा हॉल है जिसमें कोई भी सामान नहीं है, चारों साइड से क्लोज है, लाइक ऐसा नहीं है कि कहीं बगल में सीढ़ियाँ हैं ऐसा कुछ, ऐसी जगह बिल्कुल भी मत यूज़ करिए। एंड मैक्सिमम अगर आप फिर भी यूज़ करना चाहते हैं तो 10 to 15 मिनट से ज़्यादा का यूज़ मत करिए। तो आजकल क्या है, एक पुश टाइप के वॉकर्स आते हैं जो कि काफ़ी सेफ़ हैं इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल वॉकर, या फिर जो है अगर आपको थोड़ी देर उसमें बैठाना ही है तो एक जो आता है स्टैंडिंग टाइप का आता है, तो उससे एटलीस्ट बच्चे को इंजरी होने का डर कम रहेगा, बट वो भी आपको जो यूज़ है वो 10-15 मिनट से ज़्यादा के लिए यूज़ नहीं करना है। एंड पुश वॉकर आप यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा देर के लिए भी, क्योंकि उसमें क्या है, बच्चा खुद से सब कुछ ट्राई करेगा, बच्चा जो है उसके पैर जो हैं वो खुद से चलाएगा, उसमें आप जो है एक स्पीड भी सेट कर सकते हैं, वो प्रेफर करिए, ऐसा नहीं कि जो बहुत ही तेज़ भागे,
तो आप धीरे से स्पीड में उसको सेट कर सकते हैं, जब बच्चा ऑब्वियसली जब बच्चा खड़ा होना शुरू हो जाए पकड़ के अच्छे से, तभी आप वो यूज़ करिए। और जो एक जगह पर खड़े होने वाले स्विंग टाइप बाउंसर टाइप जो वॉकर्स आते हैं, देन अगर आप ट्रेडिशनल वॉकर यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको 10-15 मिनट से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। एंड इवन आपको जब यूज़ करना है, जब बच्चे के जो पैर हैं उस पर ज़मीन पर पहुँच जाएँ, एंड जब भी आप यूज़ कर रहे हैं बिल्कुल क्लोज सुपरविज़न में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चा अकेला है, एंड जो मैंने पहले कंडीशंस बताई वो सब होना चाहिए। देन पुश वॉकर भी आप जब यूज़ कर रहे हैं तो बच्चे के आसपास ही रहिए, क्योंकि उससे भी थोड़ा सा ऑब्वियसली गिरने का डर तो रहता ही है। देन उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल एक्टिविटीज़ हैं बेबीज़ के लिए, वो है टमी टाइम। बच्चे को क्रॉल करने दीजिए, जिससे बच्चे की जो नॉर्मल डेवलपमेंट है वो होगा, बच्चे के सारे मसल्स जो डेवलप होने चाहिए। अगर छोटा बच्चा है तो टमी टाइम दीजिए, बड़ा बच्चा है तो बच्चे को क्रॉल करने दीजिए, स्टैंडिंग विद सपोर्ट, ये सब जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल होता है वो कराना है, ना कि हमें कि कुछ ऐसा हम ला के जिससे कि बच्चे को आप सोचते हैं कि वॉकर से जल्दी चलने लगेगा, बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट वॉकर से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो मैं यही बोलूँगी कि वॉकर से यूज़ मत करिए। मैंने भी वॉकर यूज़ नहीं किया था। मैंने जो ख़रीदा था वो एक बाउंसर टाइप ख़रीदा था, क्योंकि वो मुझे काफ़ी हेल्प किया था, दो मैंने बहुत ही ज़्यादा यूज़ नहीं किया था। मैक्सिमम जस्ट 15-20 मिनट्स दिन में उसको काफ़ी अच्छा लगता था, तो मैं उसको बैठा देती थी थोड़ी देर, तो वो झूले की तरह, वो भी इनफैक्ट जब वो अराउंड आई थिंक 8-9 मंथ की हो गई थी तब मैंने लिया था, तो वो हमको लॉकडाउन में काफ़ी हेल्प किया, क्योंकि उससे क्या था हम इजीली काम कर सकते थे कुछ भी, एंड उस टाइम जो है बेबी उसमें सेफली बैठी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे घर में कहीं दौड़ रही हो। बट मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूँ कि आपको वो भी यूज़ करना ही है, जस्ट हमने ऐसे ही ले लिया था। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। देन लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि उसका कुछ एज सच फ़ायदा था क्रॉलिंग के ऊपर या टमी टाइम के ऊपर या कुछ और के ऊपर, बट ऑब्वियसली थोड़ा सा जस्ट टाइम मिल जाता था, थोड़ा सा जब बेबी उसमें एंजॉय कर रहे हैं, अदरवाइज़ उसका कोई डेवलपमेंट के लिए या बेबी जल्दी चलेगा या फिर कुछ और बेबी के लिए अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, उसमें कुछ टॉयज़ लगे थे जिससे उसको अच्छा लगता था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, एंड कमेंट में बता दीजिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब।